देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पमीत कौर। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम दो डेसिमल्स को एक दूसरे से डिवाइड कैसे करते हैं। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 1.6 डिवाइडेड बाय 0.2। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम पहले तो इन्हें लिख लेंगे 1.6 डिवाइडेड बाय 0.2। अब हम देखेंगे इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है और उसमें कितने डिजिट्स बाद डेसिमल नंबर लग रहा है। तो ये बड़ा है, यहाँ पर एक डिजिट बाद डेसिमल नंबर लग रहा है, तो हम एक ही डिजिट डेसिमल को पीछे कर देंगे। तो यहाँ पर अभी क्या बन गया, 16/2। तो ये 2 1s और 2 8s 16। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, 8 है हमारा आंसर। बस ये इतना आसान होता है, बस आपको ये देखना होगा कौन सा बड़ा है और उस हिसाब से आपको डेसिमल को शिफ्ट कर देना है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मेरे पास है 2.7 डिवाइडेड बाय 1.2। तो यहाँ पर भी हम स्टेप वन पहले फॉलो करेंगे जो कि है सबको लिखना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.7 डिवाइडेड बाय 1.2। इसके बाद अब आप देखो कितने डिजिट्स बाद है डेसिमल, 1। तो हम इसे 1 ही शिफ्ट कर देंगे एंड अब हमारे पास ये आ जाएगा 27/12। ये हमारे पास आ गया। इसके बाद अब हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 9s 27 और 3 4s 12। अब हमारे पास आ गया 9/4। अब हम इसे डिवाइड कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 2s कितना होता है, 8, माइनस करेंगे आ जाएगा 1। अब यहाँ पर ये अब डिवाइड नहीं हो सकता, ये 1 हमारा रिमाइंडर है। लेकिन अगर हम इसे फर्दर डिवाइड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, जिससे यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। तो 4 2s 8, माइनस करेंगे 2। अगर हमने एक बार डेसिमल लगा दिया तो हम कितनी ही बार 0 को लगा सकते हैं। यहाँ पर हम फिर से 0 लगा देंगे यहाँ पर एंड इसके बाद 4 5s 20। तो यहाँ पर अब हमारा जो रिमाइंडर है वो नहीं आ रहा है, अभी 0 आ गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, 2.25। यही है हमारा आंसर और इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं इन डेसिमल्स को। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 1.47 डिवाइडेड बाय 0.7। यहाँ पर सबसे पहले स्टेप वन क्या है, हमें इन सबको लिखना है, 1.47 डिवाइडेड बाय 0.7। स्टेप नंबर 2 है, हमें क्या करना है, हमें देखना है कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर 1.47 बड़ा है, यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद आ रहा है, तो हम इसे 2 ही डिजिट शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा, 147, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 70। तो यहाँ पर अब आप देखो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, सीधा हम किसको देखेंगे, 7 को, ये दोनों 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर 7 10s 70, 7 2s 14, फिर आज बचेगा 7 और 7 1s 7। अब हमारे पास आ गया 21/10। तो यहाँ पर अब हम इन्हें डिवाइड कर देख लेते हैं, 10 2s 20, माइनस करेंगे आ गया 1, फिर हम डेसिमल पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 10 1s 10, यहाँ पर आ गया हमारा रिमाइंडर 0। इसके बाद हमारा आंसर क्या आ गया, 2.1 और यही है हमारा आंसर। अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।